नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अग्निवीर आर्मी के क्वेश्चन आंसर। आर्मी अग्निवीर के क्वेश्चन आंसर की बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी। आज हमारा अग्निवीर के क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को विधेयक दिन में लौटा दिया जाना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे, 7 दिन, 14 दिन, 12 दिन, 15 दिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और अपना सफ़र पूरा करती है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इसे किस नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी, पद्मा नदी, सांगपो नदी, तीस्ता नदी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पद्मा नदी। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारा गंगा नदी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप गंगा नदी वाला वीडियो देख ले, इसमें आपको पूरी डिटेल में मैंने समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, हेमेटाइट अयस्क से किस का निष्कर्षण किया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन लोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 5, 7, 9, 11। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीप कैसे, जैसे कि हमारा एशिया महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसे कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। तो हमारा भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसके अंदर बहुत सारे देश है अलग अलग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के किस स्थान पर हुआ था। ये क्वेश्चन से भी कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोरबंदर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। शनि के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्यौहार है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, निम्न में से क्या असम का प्रमुख त्यौहार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहू, बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांखरा नांगल बांध किस नदी पर है, बांखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतलुज नदी। बांकरा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के आर्मी अग्निवीर के क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले नए क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आप अभी तक स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप स्टडी पॉइंट सिक्स चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको प्रतिदिन ऐसे ही नए नए क्वेश्चन की अपडेट मिलती रहे।